क्या बात है दरबारी सिधर ही राहुल बोलो क्या बात हमारे राज्यों शादी तुमने अपनी मर्जी से कर लिया वो तो कर लिया फिर अजी लेकिन ये हमारे रामगढ़ की जनता हमारी तारीफ करेगी क्यों कहेगी कि राहुल की शादी एक चुपके से कर लिया और किसी को दावत नहीं कौन से कर लिया तुम इसी वक्त चले जाओ अपने ननिहाल अपने मामा और मामी को दावत देना साथ साथ लेकर के आना तुम्हें मालूम है कि मामा और मामी कभी भी अपने गांव आते नहीं है तो वहां किस लिए जा चुका जी अरे जब जाओगे कब आएंगे और हम तुम्हारी शादी इस हवेली में बहुत धूमधाम से करेंगे पिताजी अब मैं एक हफ्ते में ही नहीं जाऊंगा जाओ बेटा जाओ अगर ऐसी बात है तो दरबारी जाओ अपने साइकिल उठाओ और मेरी मामी और मामा को बेटा देख रहा हूँ जाओ बेटा यहाँ के काम दरबारी को करना है आज तुम ही चले जाओ बेटा ठीक है पिताजी अगर आप कह रहे हो तो मैं यूं गया और यूं लौटा जाओ बेटा जाओ 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 जा रहा हूँ आप अगर मजबूर कर रहे हो तो मैं जा रहा हूँ चिकनिया हम कुछ बातें आसान से करना चाहते हैं आपकी बात हाँ हाँ राहुल को हमने उसके ननिहाल भेज दिया और एक काम तुम्हें करना है कौन सा काम स्वामी बताइए ये रूपा इस हवेली में रहने ना पाए वरना समझो अगर रूपा हवेली में रह गई तो सबसे पहले तुम्हारी मौत आएगी मुझे मैं समझ रही हूँ कि सबसे पहले मेरी मौत होगी इसलिए रूपा के साथ इतना बड़ा जुर्म उठाओ इतना जुर्म उठाओ कि रूपा इस हवेली को छोड़ चली जाए ठीक है आप चिंता मत कीजिए स्वामी मैं इसी वक्त जा रही हूँ रूपा के पास ये काम ले रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी टाइट होकर रहना ठीक है ठीक है भीड़ लगाना नहीं तो फिर तुम्हारा काम जाए स्वामी आप जाइए मैं सुन रही हूँ अभी रूपा से मिलती हूँ कुछ काम काज भी करेगी घर का जो भी काम था मैं उसे करके बैठी महाराज सारा काम कर सकी अमीर कल कल के चली आई सारा काम कैसे जानती है कि सारा काम कर चुकी मैं माँ जितना भी घर का काम कर चुकी हूँ हमारे घर पे बहुत काम है तो घर नहीं पाएगी नहीं माँ मैं गरीब घर की मैं सारा काम करूंगी क्या कर लेगी पूरा काम हमारे पास 200 जन पड़े हुए हैं उनके लिए 8 बजे से 10 बजे तक खाना बनाना है बना लेंगे बना के दूंगी और 50 भैंसे 50 गाय हैं उनका गोबर पानी झाड़ू पोछा सब तुझे करना है कुछ कर लूंगी मैं क्या कर लेगी कर लूंगी और 50 घड़े से मैं रोज नहाती हूँ और उस कुएं से जिसमें तो 200 हाथ लगती लगती है माँ मैं सब कुछ कर लूंगी पानी भर के दूंगी नहीं माँ इतने घड़े पानी समझ में आया करो क्यों नहीं कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें निमोनिया हो जाए क्या है?
मेरे मरने की सोच ली कल से चली आ रही। मैं समझाता हूँ मैं जा रही हूँ, मगर इसको हराम जाने में समझा देना बेटा।